गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर और उसमें आज अपने को करनी है कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कैपेसिटर का वो तो हो चुकी है थ्योरी कंप्लीट, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं। तो आज एक कैपेसिटर का ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं ऐसी, उनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि कैपेसिटर की प्लेट एकदम खींच लेती है अपने अंदर, जैसे ये माचिस की डिब्बी है, तो ये मान लो कि कैपेसिटर की प्लेट एक ऊपर वाली एक नीचे। अब इसके अंदर जैसे ये डायलैक्ट्रिक डालोगे ना तो ये तुरंत ही अंदर यूं खींच लेगी, इसका मतलब डायलैक्ट्रिक इसके अंदर घुस जाता। अब डायलैक्ट्रिक अंदर घुस जाता मतलब तुमको कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही फोर्स लगा के खींच लेती। अब सवाल ये उठता है वो कैसे खींचेगी, तो खींचती इसलिए है क्योंकि डायलैक्ट्रिक होता है न्यूट्रल, ऊपर वाली प्लेट होती है पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट होती है निगेटिव। अब क्या होगा कि जो ऊपर वाली प्लेट है वो इस डायलेक्ट्रिक पे ऊपर निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी और नीचे वाली प्लेट इधर साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी। अब जब चार्ज इंड्यूस होगा अपोजिट, तो अपने आप ही खींचना है, तो खींचता जाता है डायलेक्ट्रिक अंदर की तरफ जाता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती। ठीक है, तो हमको ये इसने क्वेश्चन पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मुंह पे यदि डायलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उस केस में ये बताएं कि अगर बैटरी अटैच्ड है तो कितना फोर्स लग रहा है और बैटरी यदि हटा ली गई है तो कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे इसके अंदर, पढ़े देखिए क्वेश्चन पढ़े। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट लेंथ एल, प्लेट विड्थ बी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी इज कनेक्टेड इनटू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ वी। अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैविंग डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ द कैपेसिटर इज प्लेस्ड बिफोर द कैपेसिटर। डिटरमाइन द फोर्स बाय विच द डायलेक्ट्रिक इज अट्रैक्टेड बाय द कैपेसिटर, केस वन इफ बैटरी इज अटैच्ड, केस टू इफ बैटरी इज नॉट अटैच बट द कैपेसिटर इज चार्ज। चार्ज तो नहीं चाहिए, नहीं तो वो इंडक्शन नहीं करेगा उसके। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला अपन। तो एक बार क्वेश्चन समझें, इसको मैंने लिखा है भूखा कैपेसिटर। भूखा कैपेसिटर के केस हैं, दो केसेस हैं। कैपेसिटर इतना भूखा रहता है कि वो डायलेक्ट्रिक को ही खींच लेता है, खा जाता। ठीक है, तो पहला केस क्या है, बैटरी इज अटैच्ड, यानी डायलेक्ट्रिक जब डाला गया तो कैपेसिटर में बैटरी लगी हुई थी, बैटरी इज अटैच्ड। दूसरा क्या है कि बैटरी अटैच नहीं है लेकिन चार्ज किया हुआ है, चार्ज करना जरूरी है। तो अब देखें कैसे बनेगा ये, निकालना क्या है, समझ में आ गया ना, फोर्स निकालना है जिससे वो डायलेक्ट्रिक को खींचेगा, कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक को खींचेगा। चलिए पॉज दबा के ये क्वेश्चन नोट कर ले पहले, फिर मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ये कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं। इसकी एक जो प्लेट है ऊपर वाली, इसको हमने अटैच कर दिया एक बैटरी से पॉजिटिव, इधर वाली जो बैटरी है उसकी निगेटिव वाली प्लेट ये यहाँ से अटैच कर दिए निगेटिव। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया पूरे पे, ऊपर वाली प्लेट पे पूरे पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और इसके ऊपर जैसी प्लस चार्ज आएगा ये क्या करेगा कि डायलेक्ट्रिक जो कि न्यूट्रल होता है पर ऊपर वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ये जो दिखाया है ना ये डायलेक्ट्रिक है, तो डायलेक्ट्रिक पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, निगेटिव। अच्छा, नीचे वाली जो सरफेस है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज है नीचे वाली पे। ठीक, लेकिन डायलेक्ट्रिक पे कौन सा आएगा, यहां पर पॉजिटिव, और डायलेक्ट्रिक पे ऊपर वाली प्लेट उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये वाली प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो डायलेक्ट्रिक अंदर घुस जाएगा नेट फोर्स एफ से। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई बताओ ये फोर्स कितना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, बी है। ठीक है, और जो लंबाई है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डायलेक्ट्रिक की लंबाई वो कितनी एल है, जिसमें से एक्स पोर्शन अंदर जा चुका है, जिसमें से एक्स पोर्शन जो है वो अंदर जा चुका है। एल पूरी लंबाई है लेकिन अंदर जितना गया वो सिर्फ एक्स है, अभी बचा हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा अंदर, माचिस की डिब्बी जैसा पूरा फिट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई फोर्स कितना लगेगा, तो हमने क्या बोला कि दो केस है, या तो आपने बैटरी अटैच रखी है या फिर चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी गई। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में फोर्स कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका यह है कि फर्स्ट फाइंड द एनर्जी, फर्स्ट
फाइंड द एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर. फर्स्ट फाइंड द एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है फोर्स की, कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स. ये फोर्स का फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. इस फॉर्मूले से हम फोर्स निकाल लेंगे. अब इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल लेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए क्यों नहीं लगा सकते, फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन इसलिए नहीं लगा सकते, एक्सेलरेशन वेरिएबल है. ठीक है, क्योंकि ये जब अंदर घुसेगा ना इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि फोर्स लगता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, और फोर्स जो है वो वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है. फिर कांस्टेंट होगा तो एफ इक्वल टू एम ए से इसके मास के ऊपर लगा सकते हो तुम, लेकिन एफ इक्वल टू एम ए में एक्सेलरेशन लाओगे कहां से, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, कोई मैकेनिकल थोड़ी है. तो इसलिए जो है वो हम क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स. अब माइनस डेल यू बाय डेल एक्स में फर्स्ट केस देखें, केस नंबर वन. केस नंबर वन क्या है, व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट. जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो हमारे पास एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. एक फॉर्मूला और है एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू वी, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते जनरली, वो बैटरी के लिए प्रयोग में लेते हैं. ये वाला एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला ये यूज करते हैं, दो ही मेजर फॉर्मूले हैं. ठीक, तो जो दो फॉर्मूले हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला एनर्जी के लिए यूज करना है ये सोचो पहले तो, क्योंकि पोटेंशियल है कांस्टेंट. पोटेंशियल क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पहला वाला लगाऊं कि दूसरा वाला लगाऊं, तो उसका आंसर है जिसमें जो कांस्टेंट आता है वही लगाना चाहिए. सी तो दोनों में है, जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाले वाले को लगाओ, और जब सेकंड केस में बोलता है चार्ज कांस्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट है इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. अब पोटेंशियल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि बैटरी लगी है, हटाई नहीं है. ठीक है, बैटरी अभी लगी हुई है, हटाई नहीं, क्योंकि बैटरी हटा लोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, फिर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा. तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा लिया. अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास फोर्स का, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, इसके अंदर रख देते हैं U की वैल्यू, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ U. ये है U, इस U को उठा के यहां रखना, हाफ सी वी स्क्वायर. आई बात समझ में, हाफ सी वी स्क्वायर. अब सवाल ये उठता है कि इसमें से डिफरेंशियल करें किसका, C का कि V का, इनमें से वेरिएबल कौन सा. तो अब ध्यान से देखें, ऊपर आए ये कैपेसिटर जो यहां बना, शुरुआत में खाली था, पीला वाला कैपेसिटर खाली था, डायलैक्ट्रिक गया कहां था, अभी तो यहां था, शुरुआत में तो डायलैक्ट्रिक यहां होगा ना, उसके बाद ये डायलैक्ट्रिक धीरे धीरे अंदर जाएगा. अगर डायलैक्ट्रिक पूरा अंदर चले जाता है तो इसकी कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है, लेकिन अगर ये पूरा खाली होता है तो इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होती है. लेकिन डायलैक्ट्रिक यदि आधा भरा है तो आधा डायलैक्ट्रिक वाला और आधा एयर वाला, ऐसे दो कैपेसिटर मान लिए जाएंगे. लेकिन ये डायलैक्ट्रिक तो धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम नहीं बढ़ रही. इसका मतलब कैपेसिटी इज चेंजिंग, चेंजिंग. ठीक है, कहां से, तो C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है जब बिल्कुल ही खाली होता है, डायलैक्ट्रिक गया ही नहीं, और जब पूरा डायलैक्ट्रिक चला जाता है तो होता है इप्सिलॉन नॉट के बाई डी, जब पूरा डायलैक्ट्रिक चला जाता है. इसका मतलब कैपेसिटी धीरे धीरे इसकी तरफ आ रही है, कैपेसिटी इज चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेज टू. वन वाली स्टेज से, वन वाली कैपेसिटी से, जब पूरा खाली था से जब पूरा भरा हुआ है पे पहुंचने पे कैपेसिटी धीरे धीरे बदलेगी. जैसे मान लो कि कैपेसिटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के पांच है, तो
तो यहाँ पे तो वन था, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, फिर फाइव हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ती जाएगी कैपेसिटी इसकी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब कुल मिला के कैपेसिटी इज वेरिएबल, कैपेसिटी इज वेराइंग, और जो चीज वेरिएबल होती है उसी का डिफरेंशियल होता है। तो यहां पे देखो ये चीज वेरिएबल है तुम्हारी C, तो ये जो C है इसका डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद C का, अब देखो F इज इक्वल टू माइनस, अब V तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, हाफ भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो हाफ वी स्क्वायर हो गया ना। अब डिफरेंशियल किसका होगा, C का, तो dC by dx। इस बात समझ में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, अभी अपन ने सिर्फ फॉर्मूला जनरेट किया है, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, इसको केस वन का फॉर्मूला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको वन इक्वेशन दे के छोड़ देते हैं। ये क्या लगाया अपन ने, जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो तुम्हें फोर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, ये वाला। कब लगाना है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। बोले अच्छा ठीक है, जब चार्ज कांस्टेंट हो, यानी बैटरी हटा ली, तो दूसरे केस में क्या होगा, केस नंबर टू लगाते हैं। केस नंबर टू, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी। जब हमने बैटरी रिमूव ही कर दी तो उसके अंदर चार्ज कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल बदल सकता है। ठीक है, चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। केस नंबर टू में हम क्या लिखेंगे, चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज जो बैटरी बना के जानी थी चली गई, अब चार्ज उसके अंदर कैद हो गया, अब वो कम ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगेगा, और इसी का अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे निगेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो हम इस यू को उठा के यहां रख देते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इसमें से बाहर निकाल लो हाफ और बोले सी भी निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, क्यू स्क्वायर। आई बात समझ में, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू स्क्वायर, अरे 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 गलत कर दिया, डी क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, कॉन्स्टेंट तो चार्ज है ना, चार्ज इज कॉन्स्टेंट, कैपेसिटी इज वेरिएबल, तो एफ इज इक्वल टू माइनस हाफ बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, ओहो सी नहीं बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन सी हो गया। क्लियर हुई बात, कैपेसिटी इज वेरिएबल, सी जो है वो कैसा है, वेरिएबल है, लिख देते हैं यहाँ पे, कैपेसिटी इज वेरिएबल, इसी का लिए उसी का डिफरेंशियल हुआ, बाकी सब बाहर हो गया। तो एफ इज इक्वल टू माइनस हाफ क्यू स्क्वायर हुआ, मतलब वन बाय सी का डिफरेंशियल क्या करोगे, तो वन बाय सी को सी की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, सी की पावर माइनस वन का डिफरेंशियल क्या होगा, तो माइनस सी कूद, माइनस वन कूद के बाहर आएगा, माइनस वन सी की पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू। अरे डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, ये आगे कूद के आता है, ये आ गया और ऊपर से कम हो जाता है तो कम हो गया, और फिर सी का भी करना पड़ेगा, तो होगा डी सी बाई डी एक्स, तो हो गया माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ये बनेगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसको अपन अलग से लिख लेंगे कि भाई ये डिफरेंशियल इसका ये बना, तो इसका डिफरेंशियल लिख दिया मैंने माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, और इसका हो गया डी सी बाई डी एक्स। अब इससे फोर्स मिलेगा तुमको, फोर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, इतना फोर्स आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, तो ये वाला जो फोर्स है ये कब लगाना भाई, जब तुम्हारा चार्ज कांस्टेंट हो, जब तुम्हारा क्या कांस्टेंट हो, चार्ज कांस्टेंट हो, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड चार्ज इज कांस्टेंट। अब एक चीज ये देखें
कि ये जो इक्वेशन आ रही है इसको दो नंबर करके छोड़ देते तो अच्छा रहता, क्योंकि दोनों ही केसेस में तुम ध्यान दो तुम्हें डीसी बाई डी एक्स चाहिए, यहां भी तुम्हें डीसी बाई डी एक्स चाहिए, ठीक, और नीचे वाले केस में भी तुम्हें डीसी बाई डी एक्स चाहिए। तो उसके लिए पहले तुम्हें सी निकालना पड़ेगा, सी इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसके बाद उसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो पहले यहां पे देखें सी इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे आएगा। तो ये जो डायलेक्ट्रिक था, ये डायलेक्ट्रिक अंदर जा रहा था, मान लो कि एक्स अंदर चला गया, तो बचा हुआ जो है यहां से यहां तक का जो एल माइनस एक्स हिस्सा है, क्योंकि ये तो अपन ने एल मान लिया ना इसको, अब एल इसलिए मान लिया क्योंकि तुमने इसको भी एल माना है, अब माचिस की डिब्बी में जाएगा अंदर तो ये दोनों ही एल के होते हैं ना, ये वाला भी एल का होता है और ये वाला भी एल का होता है, लंबाई तो सेम ही होगी तभी तो फिट होगा ना। तो यहां से यहां तक भी एल हो गया, यहां से यहां तक भी एल हो गया, और उसके बाद हमने बोल दिया कि ये वाली जो लाइन आ रही है ये भी एल की ही है, मतलब प्लेट की लंबाई एल है। अब जो स्थिति अभी बनाई गई है ना, ये जो स्थिति अभी बनाई गई है, इस स्थिति में दो कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक वाला और एक कैपेसिटर एयर वाला, और ये दोनों कैपेसिटर काय में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। आ रही बात समझ में, दोनों कैपेसिटर काय में लगे हैं, देखो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैरेलल में कैसे लगते हैं। तो एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से देखोगे तो पड़ोस पड़ोस में रखे हुए दो कैपेसिटर, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये पैरेलल में है तो इसकी कैपेसिटी निकाल लो पहले तो, ठीक है। नाउ फाइंड द कैपेसिटी, नाउ फाइंड द कैपेसिटी व्हेन स्मॉल एक्स लेंथ ऑफ द कैपेसिटर इज इनसाइड इट। आरी बात समझ, इनसाइड इट, स्मॉल एक्स कैपेसिटर इज इनसाइड इट। यदि स्मॉल एक्स कैपेसिटर अंदर की तरफ है, स्मॉल एक्स डायलेक्ट्रिक अंदर की तरफ है लेंथ का, तो उसकी कैपेसिटी बताओ। तो पहले तो इसकी निकाल लेते हैं, अब इसकी निकाल लेते हैं, यहीं पे तुमको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, C इज इक्वल टू कैपेसिटी विथ डायलेक्ट्रिक और कैपेसिटी विथ एयर, टोटल कैपेसिटी ऐसे निकलेगी। अब डायलेक्ट्रिक की होगी इप्सिलॉन नॉट के, उसको प्लेट कितनी मिली, तो यहां से ध्यान दे इसको प्लेट इतनी मिली, बस इतनी प्लेट मिली इसको, इसी के नीचे। अब ये प्लेट का एरिया कितना, क्योंकि कैपेसिटी तो होती है इप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो तुम्हें इप्सिलॉन नॉट ए लिखना था वो तो तुमने लिख दिया, अब तुम्हें एरिया लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स लिखना पड़ेगा तो डी होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो डी है ना, तो डी ही रहेगा। प्लस करके लिखेंगे, पहले अपन यहाँ पे एरिया लिख दें, एरिया वो जो डायलैक्ट्रिक में है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डायलैक्ट्रिक अंदर गया भैया, एक्स अंदर गया, तो ये एक्स होगा, किसी कोई डाउट, ये एक्स होगा, और यहां से लेके यहां तक बी है, ब्रेथ है ना, ब्रेथ बी, तो ये एक्स है ये बी है, तो एरिया कितना हो गया एक्स इंटू बी, अरे लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्या उसमें क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई एक्स इंटू बी, ठीक। अब पड़ोस वाले की बात करें तो पड़ोस वाला इप्सिलॉन नॉट केयर की नहीं है, एयर है उसकी जगह, तो वन लिख दिया या नहीं लिखा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब तुम्हें यहाँ एरिया चाहिए तो इतने हिस्से का एरिया लो, अब ठीक है, कितने हिस्से का, इतने हिस्से का, ये वाले का एरिया ले लो। तो देखो यहां से यहां तक एल था, तो ये एल माइनस एक्स होगा, अरे बात समझ में आई, ये एल माइनस एक्स होगा लंबाई, और ब्रेथ तो बी ही रहेगी उसकी, यहां से भी बी है वो ब्रेथ, तो बी इंटू एल माइनस एक्स, तो इट इज बी इंटू एल माइनस एक्स, ये एरिया आ गया उसका। और चूंकि ये पैरेलल में लगे हैं, दे आर इन पैरेलल, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे सादे, क्योंकि पैरेलल में नेट कैपेसिटी होती है सी वन प्लस सी टू, तो इसकी जो नेट कैपेसिटी आएगी वो दिस प्लस दिस आ जाएगी, तो ये दिस एयर डायलैक्ट्रिक वाले का और एयर वाले का इतना ऐड कर दो, तो कॉमन ले रहा हूं मैं सबसे पहले, तो इप्सिलॉन नॉट और एक्स कॉमन, यहां पर भी इप्सिलॉन नॉट है, एक्स नहीं है सॉरी, अपॉन में डी कॉमन, इसमें भी डी है,
तो इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो कॉमन हो गया ब्रैकेट में, के एक्स बी, के इंटू एक्स इंटू बी। अब इसके बाद क्या बचा, ये प्लस बी एल माइनस बी एक्स, प्लस बी एल माइनस बी एक्स, इतना हो गया। तो सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ब्रैकेट में, इतने हिस्से में से, इतने हिस्से में से एक्स कॉमन ले लो, बचा हुआ छोड़ दो। तो बी एल छोड़ दिया, प्लस एक्स कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, के बचा, बी बचा, और ये एक्स कॉमन लिया तो बी बचा, तो बी भी बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा बी सब में ही था, अपने को बाहर ले लेना था पहले ही। ठीक है, बी बाहर ले लिया, तो अब क्या बचा इसमें से, के बचा, ये के बचा, एक्स और बी बाहर हो गए, इसमें से बी बाहर हो गया, तो इसमें से एल माइनस एक्स बचा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, एक बार थोड़ा बाहर एक बी और ले लूँ, फिर कर लेता हूँ कॉमन। तो सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट, बी भी बाहर ले लिया अपॉन डी, जब बी बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, के एक्स प्लस एल माइनस एक्स। तो इससे सी मिलेगा इप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी ब्रैकेट में एल प्लस एक्स कॉमन, तो के माइनस वन, ये आ गई आपकी कैपेसिटी। दिस इज योर कैपेसिटी एट टाइम एक्स, एट टाइम टी, यानी बीच के किसी समय पे ये कैपेसिटी है। ठीक, अब ये कैपेसिटी हमको उठा के नीचे लिखनी है, तो ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कैपेसिटी, तो उसकी कैपेसिटी हमने निकाल ली। इप्सिलॉन नॉट बी याद रखें क्या है, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस के एक्स माइनस, एल प्लस एक्स के माइनस वन, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, ये आया इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी प्लस ये वाला देखो एल प्लस एक्स के माइनस वन। एल प्लस एक्स के माइनस हो, ये आ गई आपकी कैपेसिटी। करना क्या है इसका, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटी चेंज होगी, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो। तो इसमें से देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, डिफरेंशियल बचा डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एल प्लस एक्स के माइनस वन। ठीक, अगली स्टेप देखें, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है ये तो बाहर हो गया, अपॉन डी, और डिफरेंशियल किसका करना है हमको, इतने हिस्से का जिसमें से सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल होगा, इसमें से सिर्फ x का डिफरेंशियल होगा, और x का डिफरेंशियल होता है 1, और ये कांस्टेंट है l 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में इसका 1 हो गया, तो अंदर क्या बचा k माइनस 1, क्योंकि dx बाय dx डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, ये x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो बचा क्या k माइनस 1, ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0। ठीक है, l का डिफरेंशियल 0, तो तुम्हारे पास dc बाय dx आ गया। अब तुम याद करो इसको इक्वेशन वन में पुट करना है, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर वन, वन में पुट करना है डीसी बाय डीएक्स, वैल्यू ऑफ डीसी बाय डीएक्स, तो डीसी बाय डीएक्स की वैल्यू वन में पुट करनी है, वन कहां है भाई, वन, अरे ये रहा, एफ इक्वल टू माइनस हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, एफ इक्वल टू माइनस हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ये आया था वन, इसमें ये डी सी एक्स, डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट करो, तो इससे मिलेगा फोर्स इक्वल टू माइनस हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स की जगह इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस वन, यह फोर्स आएगा। अब इस फोर्स को ध्यान से देखें, क्या इसमें कहीं पे भी
कोई चीज ऐसी है जो वेरी कर रही है, वेरिएबल है, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है. इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही होता है, डी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, और के माइनस वन भी कांस्टेंट है. तो ये जो फोर्स आ रहा है इट इज अ कांस्टेंट फोर्स. अब इसमें माइनस प्लस का ध्यान देना और अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाता, तो कांस्टेंट फोर्स. सो द एक्सेलरेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आया आपको. अब एक केस और है जिसके अंदर जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि फोर्स ही वेरिएबल आ जाएगा. तो उस केस में क्या होता है, चार्ज अपन कांस्टेंट रखते हैं और बैटरी हटा ली जाती है. तो बैटरी हटाने के बाद चार्ज कांस्टेंट है, तो उसकी इक्वेशन में अपन डीसी बाई डीएक्स की वैल्यू रख देते हैं. ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन आई थी. तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दो आंसर आएंगे इसमें, पहले का आंसर आ चुका है, अब दूसरे का बचा है आंसर लाना. ठीक है, तो दूसरे का आंसर भी ले आते हैं, चलिए फटाफट. सेकेंड इक्वेशन ध्यान दे क्या है, ये वाली है, एफ इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स. एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स, ये इक्वेशन है. ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे अपन यहां पे, फोर्स व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट. अब पुट क्या करना है तुमको, डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है. तो ये डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे थी अपने पास, एरी डीसी बाई डी एक्स आ गया, ये डीसी बाई डी एक्स. ठीक है, तो इस dc बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इप्सिलॉन नॉट b बाई डी के माइनस वन, इप्सिलॉन नॉट b बाई डी के माइनस वन, ये काई की वैल्यू है dc बाई डी एक्स की. ये जो वैल्यू आई है उठा के यहां पुट करेंगे, तो f इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय c स्क्वायर, dc बाई डी एक्स इज इप्सिलॉन नॉट b बाई डी के माइनस वन. ये आ तो गया है लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है. उसका रीजन क्या है, ये सी मतलब क्या, सी मतलब क्या है, तो सी स्क्वायर जैसे तुमने लिखा है ना, तो ये सी स्क्वायर मतलब क्या, तो इट इज द कैपेसिटी, सी इज द कैपेसिटी. लेकिन ये कैपेसिटी कौन सी, तो कैपेसिटी एट दैट टाइम, यानी कि इंटरमीडिएट, न कि फर्स्ट न कि लास्ट, क्योंकि फर्स्ट ही हाफ सी वी स्क्वायर, याद है कैपेसिटी फर्स्ट ये नहीं थी, फर्स्ट थी सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जब डायलेक्ट्रिक भरा नहीं था, और लास्ट थी सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के बाई डी जब लास्ट डायलेक्ट्रिक भर गया था. ये फर्स्ट थी, ये लास्ट थी, तो ये फर्स्ट और लास्ट नहीं है, फर्स्ट और लास्ट के बीच की जो बात कर रहे हैं कि जब कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक धीरे धीरे अंदर जा रहा होगा उस समय की कैपेसिटी, तो ये उस समय की कैपेसिटी. अब उस समय की कैपेसिटी थी क्या, तो उस समय की कैपेसिटी अपन ने निकाली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, याद हो तो अभी ऊपर ही लिख दी थी, मतलब ये वाली उस समय की कैपेसिटी ये थी, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस एक्स के माइनस वन, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस एक्स के माइनस वन. ठीक है, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस एक्स के माइनस वन, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस एक्स के माइनस वन, ये उस समय की कैपेसिटी थी. अब ये कैपेसिटी यहां रखनी है, कैपेसिटी यहां रखनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन कैपेसिटी स्क्वायर इज इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऊपर और बी के साथ थी एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन का होल स्क्वायर, ये भी सब आएगा, स्क्वायर करके डाल दिया, और इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी ऊपर है ही और के माइनस वन ऊपर है ही, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस वन, इप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस वन, ये तो है ही. अभी तो मैंने सिर्फ क्यू इतना तो पहले ही था, बस तुमने सी की वैल्यू डाली, तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू इतनी इतनी है, ये सी स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है, तो
ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक। तो अब ये वाली जो वैल्यू आई है सी स्क्वायर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसको अपन ने ग्रीन कलर में लिखा है, वो ग्रीन कलर वाले की जगह ही पुट किया है, ठीक है, इसकी जगह ही पुट किया है ये। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर कुछ चीज़ें कट रही है, देखो एक बी से एक बी कट रहा है, एक इप्सिलॉन नॉट से एक इप्सिलॉन नॉट कट रहा, तो फोर्स आ रहा है हाफ क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे आ रहा है इप्सिलॉन नॉट बी ब्रैकेट में एल प्लस एक्स के माइनस वन होल स्क्वायर, और एक डी से डी भी कट गया भाई, तो ये वाला भी डी एक कम कर देता हूँ, डी और के माइनस वन आ रहा ऊपर ही, यह आया समझ में। तो ये वाला जो फॉर्मूला बना है अपना, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है, कब, जब फोर्स वेरिएबल हो परंतु चार्ज कांस्टेंट। अब इसमें फोर्स वेरिएबल आ गया देखो, क्योंकि एक्स के टर्म्स में आ रहा है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन देखो, क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं पे तो मैं एक्स दिख रहा और यहां दिख रहा, इसका मतलब फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल, हियर चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है और बैटरी रिमूव कर दी गई, बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये दो जो है वो तुम्हारे आंसर्स आ गए, और एक बार जब बैटरी लगी है और एक बार जब बैटरी हटा ली। अब मैंने पता नहीं कहाँ से तुम्हें बोला है कि लिखना है कि नहीं लिखना है, तो शुरुआत से मैं बोलता जाऊँगा, पॉज दबाते जाओ, लिखते जाओ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बेसिकली दो क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये तुमने तो लिख लिया होगा, इसको पॉज दबा दे, नहीं तो नीचे लिखे, यहाँ से नोट करना चालू करें, पॉज दबाएं। सबसे पहले अपन ने कैपेसिटी निकाली उसकी, हम पहले कैपेसिटी भी निकाल सकते थे पर अपन ने पहले कुछ और कंसेप्ट पढ़ा फिर कैपेसिटी निकाली, तो पहले इसकी कैपेसिटी निकाल लो, डायग्राम बना लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, नोट कर लें फटाफट, और नीचे नोट करें, और नीचे पॉज दबाएं, 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 और नीचे पॉज दबाएं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप फाइनल रिजल्ट्स भी याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है, चूंकि आईआईटी में आ चुका है तो कई साल बाद फिर से रिपीट भी होती है कोई सी चीज़, और मेडिकल में भी रिपीट हो जाती, तो फाइनल फार्मूला जो है वो फर्स्ट वाला केस इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला जनरली नहीं पूछते, फर्स्ट वाले केस का फार्मूला याद कर ले उसको, ठीक है। अब चूंकि कैपेसिटर ख़त्म हो गया है इसलिए अब कठिन कठिन क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो ये अब क्या होता है कि मेडिकल के जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आईआईटी के लेवल के चालू हो जाते हैं, तो वो अपने ऊपर रहता है कि हमें उसको कहाँ तक पढ़ना है, तो मैंने इसलिए आपको ये करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और स्टैंडर्ड केस बना के कॉपी में नोट कर लें और रट लें उसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मेडिकल में आया तो नहीं कर पाओगे, आईआईटी में आया तो उसमें सफिशियंट समय होता करने का, वो भी एडवांस में, मेंस में आएगा तो उसमें मेंस में भी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, याद कर लेंगे इसको अपन, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया अब आपने। तो अब इस चीज़ ये बताया कि अपन ने किसी भी चीज़ की कैपेसिटी निकालने का क्या तरीका निपटाया था, तो उस पर जैसे क्वेश्चन आए, तो किसी भी चीज़ की कैपेसिटी अगर निकालनी हो तो क्या करोगे आप, हम करेंगे सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और फिर E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लगाएंगे, उसमें डीवी इक्वल टू ई डी आर करके इंटीग्रेशन करके वोल्टेज ले आएंगे, वोल्टेज लाने के बाद Q इक्वल टू सी वी लगाएंगे, Q को कैंसिल आउट कर देंगे, C आ जाएगा, याद आया है मेथड। तो ये जो मेथड है ये अपने को लगाना है कब, जब हमें कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी चीज़ के बीच में, तो मैंने इससे स्फेरिकल कैपेसिटर कराया था आपको, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कराया था, पैरेलल प्लेट भी इस मेथड से कराया था, तो अब जनरल कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको इसी मेथड से करना है। तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन जनरल, जो कि स्टैंडर्ड केसेस नहीं है लेकिन इस मेथड से सॉल्व होते हो, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, टू कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूसेस अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में वन माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स, फाइंड द कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म। पहली चीज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें लगानी पड़ेगी पूरी स्टेप्स जो अपन ने अभी बताई थी। तो देखें क्या क्या स्टेप्स लगेगी, तो स्टेप मैं पहले पहले लिखा चुका हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। फाइंड ई बिटवीन द प्लेट्स, अप्लाई ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, फाइंड वी, थर्ड अप्लाई क्यू इक्वल टू सी वी, ये मेथड लगाना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स निकालो, तो निकालना क्या, दे ही रखा उसने डायरेक्ट, तो बहुत ही अच्छी बात है, आधा क्वेश्चन तो इसी ने सॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ही दे दिया उसने, नहीं तो हमको निकालना पड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसने, अब अपन क्या लगाएंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, सेकेंड वाली स्टेप लगाएंगे सीधे, ठीक है सेकेंड स्टेप। तो इससे तुमको मिलेगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ये जो ई की वैल्यू है ना, इस E की वैल्यू को उठा के यहां रख देना, तो इससे तुम्हें मिलेगा dV इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में वन माइनस बी एक्स स्क्वायर और यहां पे dx। अब तुम बोलोगे R का x कैसे हो गया, अलोंग x एक्सिस अगर उसने x दिया हुआ है ना, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा, dV बाई डी एक्स, आर तो डिस्टेंस ही है ना, तो R इज डिस्टेंस, यहां पे उसने डिस्टेंस को क्या बोला, x बोला है, x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के रूप में आ जाएगा। अगर r के रूप में होता ना, तो ये इक्वेशन r के रूप में होती, क्योंकि इंटीग्रेशन तो उसी पे रिस्पेक्ट में होगा ना, जो जिस रिस्पेक्ट में देगा वो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू माइनस q अपॉन इप्सिलॉन नॉट a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से बताएं लिमिट क्या होगी, तो कोई भी कैपेसिटर होता है ना, जनरल मैं तुमको उससे समझा देता हूँ, पैरेलल प्लेट से ये इस तरीके से दो प्लेटें होती हैं, तो एक को तुम चार्ज देते हो और दूसरे को अर्थ करते हो, यहाँ से डिस्टेंस नापना चालू करते हो तो x बराबर जीरो होता है, x बराबर d हो जाता है, तो डिस्टेंस तुम यहाँ नापते हो, और जिस जगह से तुम डिस्टेंस नापते हो उसका पोटेंशियल v होता है, और जहाँ पे पहुँच जाते हैं उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हम इस समय अगर x बराबर जीरो पे हैं, यानी कि हम x बराबर जीरो पे हैं, तो हमारा पोटेंशियल v है, और जब हम x बराबर d पे होंगे, यानी यहाँ पे x बराबर d आएगा, तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, ऐसे पहले भी हुआ था याद हो तो, ठीक है, ये उल्टा आता है क्रॉस में, इसमें ये जीरो इधर आता है ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v, डब्बा लगा के ऊपर जीरो नीचे v, विच इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट ए, इंटीग्रेशन करो भाई, तो वन का इंटीग्रेशन x होता, बहुत लोगों का आश्चर्य हुआ ये क्या हुआ, x का डिफरेंशियल वन होता है ना, इसलिए उल्टा हो गया, तो माइनस b इसका होगा x क्यूब बाय थ्री डिफरेंशियल, और ऊपर आएगा d और नीचे आएगा जीरो, d तक ही करना है कि x है, डिस्टेंस क्या दिया है, x ही दिया है ना, सेपरेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इज कैपिटल एक्स है वो, यानी यहाँ पे इसने डिस्टेंस बिटवीन द जो प्लेट्स है ना उसको कैपिटल एक्स मान लिया, ये एक्स ले लिया, कुछ भी दे सकता है, डी भी दे सकता है, तो अब इसको अपर लिमिट रखो यहाँ पे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखो, तो जीरो माइनस वी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस बी एक्स क्यूब, अभी एक्स की जगह एक्स रख देना कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये माइनस से माइनस उड़ गया, तो वी आ गया तुम्हारा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ठीक है, वोल्टेज आ गया, सेकेंड स्टेप हुई अभी, और सेकेंड स्टेप डायरेक्ट हो गई क्योंकि फर्स्ट स्टेप करनी नहीं पड़ी,
और जनरली ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्टेप इसलिए हटा देते हैं वो, क्योंकि टाइम नहीं रहता हमारे पास, तो सेकंड स्टेप लगाइए। अब थर्ड स्टेप लगाओ किसके बाद? थर्ड स्टेप तो बहुत ही सिंपल होती है, क्यू इक्वल टू सी वी। थर्ड स्टेप क्या होती है? क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी को उठा के यहाँ रखना, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। वी इज दिस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, कैपेसिटी ऐसे ही रहने दो, बचाओ उधर ले जाओ। तो बचाओ उधर ले जाने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लेना, तो थ्री एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन पूरे के थ्री, तो थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस बी एक्स क्यूब ये आया। इप्सिलॉन नॉट भी क्रॉस में जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट आया और कैपेसिटी सी इधर ही रह गई, तो ये इसका आंसर आएगा। आया समझ में क्या किया? तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कैलकुलेशन है, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं, खुद ही कर सकते हो। एलसीएम लिया पहले मैंने तीन, तो इधर आ गया, फिर ये जब क्रॉस इधर गया, फिर ये भी गया इधर, गया नीचे आ गया, तो सी बच गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिख लें फटाफट इसको, पॉज दबाए। पॉज दबाए लिख लें, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा के लिख लें, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा के लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, द सिस्टम इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म डायलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी के। दो बॉल हैं, उनके बीच में कैपेसिटी कितनी है बतानी है, दोनों की रेडियस ए है और दोनों पे चार्जेस, चूंकि कैपेसिटी बोल रहा है तो एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनके बीच की दूरी बी है और बी काफी बड़ा है इससे। ये बोलने का क्या मतलब, बी बड़ा है इससे का मतलब ये है कि इसका इंडक्शन इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, दूर दूर है। तो ऐसे सिस्टम की क्या कैपेसिटी होगी? तो इस सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा उनके बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में, और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके हमें पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये मेथड तो अपन लगाते ही हैं, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए किसी तरीके से तो फिर हमें इंटीग्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो बिना इंटीग्रेशन की सहायता से भी ये सॉल्व किया जा सकता है। तो देखें कैसे, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लें इसका। तो डायग्राम में हमने क्या बोला कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये मान लें और ऐसी की ऐसी आइडेंटिकल बॉल यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन दोनों के रेडियस सेम है और बीच के डिस्टेंस बी है इनके, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज बी, हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज बी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बी है और उसने ऐसा बोला है कि जो रेडियस है वो ए है, इसकी भी रेडियस ए है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो इस पर माइनस क्यू ऑटोमेटिकली आएगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस है, इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले को ही कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब ये जो बना इसका यहां का पोटेंशियल निकालो, यहां का इसको बोलो वी वन और इसके यहां का पोटेंशियल निकालो इसको बोलो वी टू, फिर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी में रख देंगे, वेयर डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये लास्ट वाली स्टेप में लगा लें, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट की सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, फर्स्ट की सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल दोनों का होगा, दोनों मतलब इसका खुद का भी होगा और एक इधर से पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा इस साइड, तो एक इसका पोटेंशियल हो गया V इज इक्वल टू, मतलब मैंने V1 इज इक्वल टू लिख दिया, इसका खुद का पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू बाय ए, ये होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्यू बाय ए, और पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। ये पोटेंशियल किसका आया? ये खुद का, इसका खुद का। अब ये वाला इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, तो ये वाला इसके ऊपर यहां पोटेंशियल लगाएगा, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा उसको? सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं इसकी सरफेस तक का, तो वो डिस्टेंस उसको मिलेगा बी माइनस ए, क्योंकि ए तो माइनस करना पड़ेगा ना उसमें से, तो डिस्टेंस उसको कितना मिला? बी माइनस ए। तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया? 1/4 pi epsilon naught। के चार्ज की जगह माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज का साइन लेते हैं और डिस्टेंस आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक, ये जो पोटेंशियल आया है ये V1 आया, तो V1 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकल रहा है 1/4 pi epsilon naught K, 1/4 pi epsilon naught K, और Q भी कॉमन निकल रहा, तो 1/4 pi epsilon naught K और Q कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1/A माइनस 1/B माइनस A। LCM ले लो, बाहर वाला वैसे रहने दो, 1/4 pi epsilon naught K Q, LCM ले लो, A इंटू बी माइनस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो होगा B माइनस ए माइनस ऑफ A, तो वोल्टेज फर्स्ट आएगा 1/4 pi epsilon naught K Q, ये माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए होगा, ठीक है, तो इट विल बी बी माइनस टू ए अपॉन ए इंटू बी माइनस ए, इट इज द वोल्टेज फर्स्ट। ठीक है, जरा कैलकुलेशन चेक कर ले। ठीक है, अब ये वी वन निकल आया, तो वी टू निकाल लो, आई बात समझ में? वी टू भी ऐसे ही निकालेंगे, इस वाले गोले का खुद का पोटेंशियल उधर से इधर पोटेंशियल फेंकेगा, तो ऐसे कैसे वी टू निकाल लो, फिर वी वन माइनस वी टू कर देंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा, डिफरेंस इन द पोटेंशियल आ जाएगा, फिर क्यू इक्वल टू डेल्टा वी लगा देंगे, सी वी। तो आप पोटेंशियल निकालना है किसका? सेकेंड वाले का, ये तो फर्स्ट का आ गया, इसको इक्वेशन वन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट निकाल लिया तुमने, अब तुम्हें निकालना पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकेंड, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकेंड निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकेंड, ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकेंड, बोलो कैसे निकाले? तो उसका पोटेंशियल खुद का, तो 1/4 pi epsilon naught माइनस क्यू अपॉन ए, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और माइनस लेना है क्योंकि चार्ज का साइन लेते हैं, सेकेंड वाले गोले पे चार्ज माइनस, ये माइनस, तो इसका खुद का यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये भी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, तो इसके लिए डिस्टेंस आएगा बी माइनस, क्योंकि ये अब की बार इधर वाला ये घट जाएगा, तो ये कॉर्नर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस बी माइनस है, और चार्ज पे क्यू, तो दूसरे वाले का पोटेंशियल आएगा 1/4 pi epsilon naught के चार्ज उस पर क्यू और डिस्टेंस बी माइनस ए। अब इसको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो कॉमन ले लो, क्या क्या निकल रहा है, 1/4 pi epsilon naught के कॉमन, क्यू कॉमन, तो 1/4 pi epsilon naught ए कॉमन और क्यू ऊपर कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, 1/4 pi epsilon naught के भी बाहर कर दो ना, ए नहीं है ये, सॉरी के, तो के बाहर कर दिया मैंने, क्यू भी बाहर कर दिया, तो माइनस 1/a बचा, प्लस 1/b माइनस ए बचा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, तो वी टू इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई के, एलसीएम लिया इसका a इंटू बी माइनस ए, ये इधर जाएगा इधर आएगा, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए, तो वी टू इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय के ब्रैकेट में 2a माइनस बी अपॉन a इंटू बी माइनस ए, ये आया इक्वेशन नंबर टू, दिस इज द वोल्टेज नंबर टू। अब देखो वोल्टेज नंबर वन और वोल्टेज नंबर टू का डिफरेंस चाहिए हमको, ये क्या है, वोल्टेज नंबर वन,
ये क्या है, वोल्टेज नंबर टू है, इसका डिफरेंस चाहिए हमको, तो वी वन माइनस वी टू निकालेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साइड में निकाल देता हूँ क्योंकि ऊपर से देखने में दिक्कत आएगी। अब वी वन माइनस वी टू निकालेंगे, नाउ वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, तो वी इज इक्वल टू, अब देखो वी वन और वी टू में कॉमन क्या है, यहाँ अपॉन में के था, ये के ये है, तो वी वन और वी टू में कॉमन क्या है, तो देखिए वन है क्यू है फोर पाई एप्सिलॉन के है, वन है क्यू है फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के है, नीचे ए बी माइनस ए, नीचे ए बी माइनस ए कॉमन निकल गया था, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ए बी माइनस ए, यहाँ तक सब कॉमन निकला। अब वी वन में से वी टू कटा रहे हैं तो ये वी वन है और माइनस वी टू है, तो इट विल बी बी माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस बी, ऐसा आएगा। तो वी की वैल्यू आएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ए बी माइनस ए इंटू टू बी माइनस फोर ए, टू बी माइनस फोर, इसमें से भी टू कॉमन निकलेगा तो बी माइनस टू ए बचेगा। ठीक है, तो इतना अपना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या गया पोटेंशियल डिफरेंस, बस इस पोटेंशियल डिफरेंस को Q इक्वल टू सी वी में रख दो। मैं सोच रहा हूँ कि बस बोल रहे हैं, इतना लंबा हो गया। अब लास्ट लास्ट के क्वेश्चन से थोड़े टफ ही चलेंगे। अच्छा एक चीज़ और ये बता दूं, मैं किरचॉफ लॉ स्टार्ट होगा इसके बाद, तो किरचॉफ लॉ जो है उसके अंदर मैंने पहले से रिकॉर्डिंग करी हुई थी। एक्चुअली किरचॉफ लॉ दो बार पढ़ना पड़ता है, एक बार इसमें एक बार आरसी सर्किट्स में, तो सेम का सेम है, तो इसलिए वो जो आरसी सर्किट का जो रिकॉर्ड किया हुआ है वही आपको दिखा देंगे, तो वो सेम आगे भी काम में आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जो उधर कराता हूँ वही इधर कराता हूँ, तो सेम पूरा का पूरा लेक्चर वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ का लेक्चर जो है वो बीच जो पहले से रिकॉर्डेड है वो अब इसके बाद लगा देंगे। चलिए अब इसका अपन डिफरेंस निकाल लिया, अपन ने अब क्यू इक्वल टू सी वी में डाल देते। डाल दो भैया क्यू इक्वल टू सी वी में, यह आया ना तुम्हारा डिफरेंस, कहाँ गया, तो ये डिफरेंस आया तुम्हारा। अब इसको क्यू इक्वल टू सी वी में डाल दो, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इक्वल टू सी वी में डालोगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी, ये V है पूरा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ए बी माइनस ए, टू कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो ऊपर बचेगा B माइनस टू है। ठीक, इसमें Q से Q कैंसिल, और ये जो बचा हुआ नीचे का डिनोमिनेटर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, इससे सी मिल जाएगा हमको, तो सी इज इक्वल टू फोर पाए इप्सिलॉन नॉट के ए इंटू बी माइनस ए होल अपॉन टू इंटू बी माइनस टू है। ऐसा छोटा सा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, इतना छोटा नहीं है, भयंकर वाला बड़ा है। ठीक, तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो जो लोग बिल्कुल ही 720 में से 720 लाना चाहते हैं उनको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, और जो सिर्फ सेलेक्ट होने चाहते हैं फाइनल रिजल्ट याद करें, इतने बड़े क्वेश्चन करना वहाँ पे हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लें, 720 में से 720 लाना चाहते हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक एक क्वेश्चन सही करना है तो दो तीन दो चार क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट डाल ही देते हैं वो लोग, तो फिर आपको सारे ही सीखने पड़ेंगे डिफ़िकल्ट भी, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सीखने पड़ेंगे तभी जाके आप पूरे मार्क्स ला पाओगे। या आपने टारगेट कर लिया है कि फिजिक्स का 180 है भाई, 40 में हमारा काम चल जाएगा, तो छोड़ दो इन क्वेश्चंस को, फिर ज़्यादा टफ में मत जाओ। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट, अगली क्लास में किरचॉफ लॉ का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, पॉज, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर पॉज दबा देना। चलिए दबाइए पॉज, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं,
नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ।